जेएसके फैम, मैं हूं मिडिल क्लास ब्लॉगर और आज मैं रिव्यू करूंगा घर पे जो पड़ा है वो जितना पड़ा है सब ब्लॉग कर डालूंगा। तो चलिए चालू करते हैं। सो टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज इन माय बैग। तो ये है मेरा एक लैपटॉप बैग। ये लैपटॉप के लिए बैग लिया था बट लैपटॉप अब तक नहीं लिया। ये होटल से उठाया। ये शैम्पू और कंडीशनर ये तो अपना है ना, मतलब पैसा भरा है तो फिर लेके तो जाएगा ना, हक के अपना। ये मेरा पानी का बॉटल, ये रेस्टोरेंट से ये मुखवास पड़ा सारू है इसके अंदर। और ये ओरिगानो और ने सॉस का पैकेट है। कभी घर पे पिज्जा विज्जा बन गया तो क्या अपने पास सब रेडी होना चाहिए। पाना जिधर देखो गुजराती उधर तीन पत्ती खेलने बैठ जाता है तो पाना उसके अंदर है। ये कोई विजिटिंग कार्ड, ये ATM से 100 रुपये निकाला था इसमें वो, ये जलाराम बापा ये मेरे हृदय के करीब रखते थे, मम्मी ने बोला रखेंगे। ये थेपला, गुजराती के अंदर पैसा रहेगा नहीं रहेगा थेपला रहेगा, कभी भी जरूरत पे डोलो, किधर भी ताव आ गया तो डोलो डाक खाके ताव निकाल दे रहेगा। दिस इज इन माई बैग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हम अनबॉक्स करेंगे एक्स को। उसका नाम अंजलि था। बहुत तफलीक दिया मेरे को उसने मेरा पैसा लेके गया। पूरा दिन उसको खाने का है वो एवोकाडो सुशी और इतना महंगा है, इतना मार मार। ओ एक्स, तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एक्स को। आपको पता है इसको देख के ना मुझे मेरे छोटे भाई की याद आती है। वो भी एक नंबर का डब्बा है, डब्बा काई कामनोज नहीं। इसके वजह से हमने प्लंबर को फोन करके बुलाया, बोला कि हमारे पानी का कनेक्शन काट दो। ए, क्या बोल रहे तू? अबे ना के तू कौन सा ताजमहल लगता है हाँ, और ना के ना तू पानी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहा है, समझा ना। इससे अच्छा ना ये ले, तू ये एक्स लगा, समझा। सड़े हुए आलू की तरह बदबू भी नहीं आएगी और गार्डन की तरह महकेगा तू, वो भी लंबे समय तक। डू इलेक्शन का कमाल। और फिर वापिस दोस्तों के सामने ना तीन चीज कभी निकाल लेनी चाहिए, वॉलेट, मिंट और डियो। पर आज से ये सब खत्म। अगर आपके पास ये एक्स का टिकट है ना तो फिर जरूरत ही नहीं है। इसमें 150 स्प्रेज है, 150। अब जितना चाहे उतना बांटो, कभी कभी तो ऐसे यूज कर लो, ये लो सर रूम फ्रेशनर की तरह यूज कर लो। देखो अमीर लोग ना इसको सिग्नेचर डिओड्रेंट बोलेंगे पर अपन इसको डियो ही बोलेंगे। और आपको पता है इसमें कितना गैस है? इसके IQ की जितना, 0 है ही नहीं। देखो आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, आप ऋतिक तो लगने नहीं वाले पर एक्स से तो अपना लुक एंड फील ही चेंज कर दिया है। ये लगता है डिओड्रेंट का ऋतिक, एकदम चिकना। और अगर आपको बहुत पसीना आता है कि लोग आपको दूर से ही नाइग्रा फॉल्स बोलते हैं ना, तो अभी के अभी ये एक्स प्रोडक्ट ले लो। तो गाइस अभी मैं रिव्यू करूंगा मेरे घर के AC को। मुझे पता ही नहीं है कि AC कैसे यूज करते हैं क्योंकि हमें चालू करना अलाउड नहीं है। घर पे कोई मेहमान आता ना तभी यूज कर सकते हैं हम लोग, उसके पहले अलाउड ही नहीं है। और ये जो रिमोट है ना, ये AC का रिमोट नहीं है, ये मम्मी को बुलाने का मशीन है। एक सेकंड को दिखाता हूँ। AC बंद कर, Hey guys, तो अभी मैं आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगा। अरे मैं बताती हूँ इसका मॉर्निंग रूटीन। ये मॉर्निंग को तो सोने जाता है क्योंकि रात भर तो चेटिया करता है ना अपने बेड बनी के साथ, और फिर उठता है दोपहर को। मॉर्निंग कुछ है नहीं इसका, उठता है और सीधा हगने जाता है, इतना संडास करता है 2 घंटे तक अंदर ही बैठे रहता है, फिर आता है फिर वापस लंच टाइम हो जाता है। तो किधर आप न्यूरोलॉजी समझ रहे ना, ये घर थोड़ी है, ये तो धर्मशाला है ना बापनो। मम्मी बहुत भड़की हुई है, मेरे को तारक मेहता देखने नहीं देगी, तो मैं बाद में बात करता आपको। बाय जय श्री कृष्ण, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय। हे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको भी ये एक्स के प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैंने अमेजोन के लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अपने लिए मंगवा सकते हो। एंड अगर यहां तक पहुंच गए हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबा दो फटाफट। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।